गट्टू का पहला हवाई सफर। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। बाहर तेज धूप थी, इसलिए मम्मी उन्हें बाहर खेलने के लिए मना कर रही थी। फिर तो गट्टू चिंकी का बोर होना बनता है। घर में बैठकर पक गया हूँ मैं तो। अभी तो 1.5 महीना बाकी है गर्मियाँ खत्म होने में। पता नहीं घर में बैठकर इतने सारे दिन कैसे काटेंगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और एक शाम अचानक पापा ने घर में बम फोड़ दिया। अरे अरे, असली वाला बम नहीं, वो सरप्राइज वाला बम। बच्चों, 4 दिनों बाद हम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए। सच पापा? हाँ हाँ, 100% सच। वाह पापा, आपने आज अचानक बम ही फोड़ दिया। गट्टू चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर पापा बोले, अरे अरे, अभी इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, दूसरा बम फोड़ना अभी बाकी है। दूसरा बम? जल्दी बताओ ना पापा, हमसे अब रहा नहीं जा रहा। सुनोगे तो एकदम हवा में उड़ने लगोगे। अब बता भी दो पापा, इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो फिर सुनो, हम कुल्लू मनाली किसी ट्रैवल बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि प्लेन से जाने वाले हैं। दूसरे बम का धमाका इतना जोरदार था कि गट्टू चिंकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पापा आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं बच्चों, पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। उन्होंने तो हम चारों की फ्लाइट्स की टिकट भी बुक करवा रखी है। हाँ, हम कुल्लू मनाली उड़ते उड़ते जाएंगे और उड़ते उड़ते आएंगे, ठीक है। ये सुनकर गट्टू चिंकी के पैर जमीन पर कहाँ ठहरने वाले थे, वो हवा में इधर उधर उड़ने लगे और देखते देखते घर से बाहर भाग गए। अरे बच्चों, अब कहाँ भाग रहे हो? जाने दो जाने दो, इतनी बड़ी खुशी पेट में दबाकर थोड़ी रख सकते हैं। हरी और गुड्डी को बताने जा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बावले हो गए हैं दोनों। बेचारे घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। अच्छा हुआ आपने कुल्लू मनाली का प्लान बना लिया। अच्छा, सिर्फ बच्चे बोर हो रहे थे, आप बोर नहीं हो रही थी? आप भी ना, अब मजाक छोड़िए, 4 दिनों बाद निकलना है, पैकिंग शुरू करते हैं। गट्टू चिंकी जब घर आए, वो दोनों भी अपनी अपनी पैकिंग करने लगे और देखते देखते दोनों के मोटे मोटे तगड़े तगड़े बैग्स बनकर तैयार हो गए। पापा ने जब दोनों के बैग्स देखे तो उनके होश ही उड़ गए। इतने मोटे मोटे बैग्स? बैग्स के पेट में क्या क्या रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं पापा, कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट, चटाई, खिलौने और बुक्स, शूज, सैंडल्स, गुल्लक, सब कुछ रखा है। बेटा, हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। फौरन सारा सामान खाली कर दो और जितना जरूरी हो उतना ही लो। इनका सामान है ही कितना, बस कपड़े ही तो लेने हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हारे कपड़े हमारे बैग में डाल दो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्यों मम्मी, हम हमारा सारा सामान क्यों नहीं ले जा सकते? बेटा, हवाई जहाज में ज्यादा सामान अलाउड नहीं होता है, जहाज पर ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए तुम्हारे इतने वजनदार सामान से हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, जरा ये भी तो सोचो। और वैसे भी हम वहाँ होटल में रहने वाले हैं, टॉवल, ब्लैंकेट, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, फिर हम भला वहाँ बोझ क्यों उठाते फिरें? हम वहाँ सिर्फ एंजॉय करेंगे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा की बात मान गए और उन्होंने सारा सामान हटाकर जरूरत का सामान मम्मी पापा के बैग में डाल दिया। 3 दिन बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार था। आज जिंदगी में पहली बार गट्टू चिंकी हवाई जहाज में बैठकर उड़ान भरने वाले थे। दोनों काफी खुश और एक्साइटेड थे। टैक्सी से सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने एयरपोर्ट बाहर से कई बार देखा था, लेकिन अंदर से पहली बार देख रहे थे। एयरपोर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत था। लोगों की काफी भीड़ इधर उधर भाग रही थी, फिर भी कहीं भी गंदगी नहीं दिखी। एयरपोर्ट काफी साफ सुथरा और सुंदर था। पापा, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी होती है, यहाँ देखो कितनी सफाई है। बेटा, गंदगी फैलाने वाले हम लोग ही होते हैं, बस स्टॉप हो या एयरपोर्ट, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये सब सेवाएं हमारे लिए ही है, हमें गुड सिटीजन बनकर उनका ख्याल रखना चाहिए। गेट पर सबके आईडी टिकट्स चेक किए गए और उन्हें अंदर छोड़ा गया। अंदर सामान चेकिंग, बॉडी की स्कैनिंग और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई।
गट्टू चिंकी का हवाई जहाज भी रनवे पर आकर खड़ा हो गया। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ एक बस में बैठ गए। हम बस में क्यों बैठे हैं? हम बस से कुल्लू मनाली जाने वाले हैं क्या? ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। अरे ये बस हमें जहाज तक छोड़ेगी, फिर क्या। बस जहाज के पास पहुंच गई। गट्टू चिंकी पहली बार एरोप्लेन इतना करीब से देख रहे थे, वो काफी विशाल था। वाओ, चलो एक सेल्फी लेते हैं। पापा ने हवाई जहाज के साथ एक सेल्फी ली और सब लोग जहाज में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। गट्टू को विंडो सीट मिली थी, इसलिए चिंकी परेशान थी। डोंट वरी चिंकी, आधा सफर मैं यहाँ बैठूंगा, बाद में तुम बैठ जाना। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि सीट बेल्ट लगाकर सब तैयार बैठे, और देखते देखते गट्टू चिंकी के प्लेन ने हवा में उड़ान भरी। हवाई जहाज 20,000 फीट ऊपर आसमान में तैर रहा था। खिड़की से बस बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। काफी खूबसूरत नजारा था। बीच बीच में एयर होस्टेस आकर ब्रेकफास्ट, जूस और चॉकलेट सर्व कर रही थी। खा पी कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया था। मैंने सोच लिया है, बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा और मैं एयर होस्टेस बनूंगी। हाँ बाबा, जो चाहे वो बनो, लेकिन पहले वो बादल देखो, देखो कितना बड़ा है। गट्टू चिंकी ने खिड़की से बाहर एक बादल देखा और देखते ही देखते दोनों भी बादल में खो गए और हवाई जहाज में बैठकर बादल छूने के सपने देखने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।